आ जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से वो फिर रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग वो फिर देख लेंगे। ठीक, तो आज हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बन रहे थे, जो एसोसिएशन रूल्स हमारे पास बन रहे थे। ठीक, लेकिन उसमें थोड़े से हम एडवांस टॉपिक्स अभी पढ़ेंगे। पहले जो हमने पढ़े हुए थे वो क्या थे, वो बाइनरी टाइप एसोसिएशन रूल्स थे। हमने दो रूल्स पढ़े हुए थे, दो जो माइनिंग के रूल्स थे वो हमने पढ़े हुए थे। एक एप्रायोरी जो अल्गोरिथम था, और दूसरा जो था वो हमारे पास था जो एपी ग्रोथ का अल्गोरिथम था। ठीक, तो ये दो अल्गोरिथम हमने पढ़े हुए थे। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप वो तो था आपके पास, मतलब सिंपल टाइप ऑफ डेटा था आपके पास। एक ही लेवल आप सेट करते थे सपोर्ट की और फिर कॉन्फिडेंस की, एक ही लेवल सपोर्ट करते वो सेट कर लेते थे। ठीक, और उसमें फिर एक ही डायमेंशन का डेटा था। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ किस चीज़ का डेटा था कि आपके पास सिर्फ बाई कर रहा है कोई, कोई कस्टमर्स जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हो उसमें, क्या एक ही चीज़ हो रही है, बाइंग हो रही है। तो वो फिर जाहिर बात है एक सिंगल डायमेंशनल हमारे पास डेटा था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आया हम सेट कर सकते हैं जो हमारे पास जो सपोर्ट और जो कॉन्फिडेंस की जो वैल्यूज थी, जो हमारे पास मल्टी मल्टी लेवल भी आ सकती है, हमारे पास डेटा भी आ सकता है, तो उसका हम फिर क्या करेंगे। और फिर दूसरा ये है कि वो तो वन डायमेंशनल हमारे पास स्पेस था। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल स्पेस में हम डेटा के साथ फिर क्या करेंगे। फिर दूसरी जो चीज़ हमारे पास आ सकती है कि यूज़र को हम फ्रीडम किस तरह दे सकते हैं, कि यूज़र भी फ्री हो कि वो क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यूज़र के साथ डेटा माइनिंग में क्या प्रिविलेजेस वो प्रोवाइड कर रही है। डेटा माइनिंग जो पैटर्न माइनिंग की जो अल्गोरिदम्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो यूज़र को क्या जो है वो फैसिलिटी अलाउ करती है कि वो इन चीज़ों पे क्या क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो ये आज के कुछ टॉपिक्स है। थोड़े से हम डिटेल में जाएंगे जो मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल को जब हम करेंगे तो हम थोड़े से जो प्रीवियस हमारे पास जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए तो उसका एक एग्जांपल भी है, ताकि आपको वो भी थोड़ा सा अच्छी तरह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एज यूजुअल हमारे पास जो है वो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मल्टी डायमेंशनल तो मुझे कोई डेटा नहीं मिला, लेकिन बहरहाल उसमें मैंने मज़ीद थोड़ी बहुत पैथान में की हुई है प्रोग्रामिंग, तो वो भी देखेंगे कि आप डेटा के साथ और भी एसोसिएशन रूल्स जब बनाते हैं तो रूल्स के अंदर फिर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आज के टॉपिक्स है। तो ये हो गया कि हमारे पास मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स क्या है। ठीक है, तो हमारे पास तो अभी तक एक ही लेवल के एसोसिएशन रूल्स थे, तो हमारे पास मल्टी लेवल्स के एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन रूल जनरेटेड फ्रॉम माइनिंग डेटा एट मल्टीपल लेवल। ठीक है, तो आप हर एक लेवल पे एसोसिएशन रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास एक ही लेवल था। ठीक है, एक ही लेवल पे हम एसोसिएशन रूल्स अप्लाई करते थे, एक ही हमारा सपोर्ट होता था, एक ही हमारा कॉन्फिडेंस होता था, एक ही हमारा लेवल होता था। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं ये ट्री आपको दिखा दूँ जो इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मल्टी लेवल का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सुपर मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे फूड की तलाश में। ठीक है, तो फूड जो है आपका क्या है, लेवल 1 है आपका। ठीक है, तो आप किस चीज़ की तलाश करते हैं, आप फूड की तलाश में जाते हैं, किसी सुपर मार्केट में जाते हैं या फिर और मतलब किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, तो वहाँ पे क्या है,
आप फिर आपको ब्रेड चाहिए या फिर बेवरेजेस चाहिए, ठीक है, तो वो फिर क्या हो गया, ये सेकंड लेवल आपका जो है वो फिर रूल्स फॉलो हो गए, ठीक है। तो आपका पहले फूड है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में आप सपोर्ट को हाई रखते हैं, ठीक है, ताकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल आपका है, फूड इतना इंफॉर्मेशन नहीं देता, फूड में सब कुछ आ जाता है, ब्रेड भी आ जाता है, बेवरेजेस भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके खाने पीने के जो भी अशिया है वो फूड में आ जाती है। लेकिन ब्रेड में जब आप आ जाते हैं तो ये एक थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की तरफ आप जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेड हो गया, यहाँ पे बेवरेजेस हो गई है, ठीक है, तो ये एक लेवल 2 की जो एब्स्ट्रैक्शन से आप डिटेल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे मतलब फूड और ब्रेड पेयर, यहाँ पे मतलब एक पेयर बनेगा, फूड और ब्रेड का एक पेयर बनेगा। फिर आप ब्रेड में भी मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड है आपके पास, आपके पास वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, तो ये आपका कौन सा हो गया है, ये आपका लेवल 3 हो गया है, ठीक है। तो वाइट ब्रेड इस तरह बेवरेजेस में आपके पास जूसेस है और फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये भी आपका लेवल 3 हो गया इसका, ठीक। तो ये आपके पास और फिर कोल्ड ड्रिंक्स में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो गया है, लेवल 4 हो गया। तो ये मोर डिटेल्स की तरफ, फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्सी है, आपके पास कोक है, ठीक। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स आ गए हैं डेटा में। आप एब्स्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं और डिटेल की तरफ जाते हैं, तो ये आप डाउनवर्ड यहाँ पे इस तरह पे जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ लेवल्स आपके पास आ गई है, ठीक। तो ये डेटा माइनिंग की जो एसोसिएशन रूल्स थी रूल्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट की वैल्यूज़ जो है वो फिर आप रख सकते हैं कि आपकी क्या सपोर्ट वैल्यूज है, ताकि आपके जो एसोसिएशन रूल्स है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बन जाए, और आपको जो डेटा चाहिए होता है, जो एसोसिएशन रूल्स आप बनाना चाहते हैं वो एक आपके लिए एक अच्छे एसोसिएशन रूल्स बन जाए, ठीक है, जो रेलेवेंट हो आपके जो क्यूरी के, ठीक। ये हमारे पास मल्टी लेवल के जो है वो फिर हमारे पास आ गए हैं। तो ये एसोसिएशन रूल जनरेटेड फ्रॉम माइनिंग डेटा एट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। तो मल्टीपल लेवल पे आप फिर एसोसिएशन रूल, लेवल 1 पे आप एसोसिएशन रूल बनाते हैं, लेवल 2 पे बनाते हैं, लेवल, ये आपकी मर्जी आप कौन से लेवल पे एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं, ठीक। आप एब्स्ट्रैक्शन आर कॉल्ड मल्टीपल लेवल और मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल। जब आप मल्टीपल हर लेवल्स पे एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका है मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स आपका है, ठीक। फिर क्या है, मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स कैन बी माइंड इफेक्टिवली यूजिंग कंसेप्ट हायरार्कीज अंडर द सपोर्ट कॉन्फिडेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसकी क्या बनती है, जिस तरह आपने अभी देखा है कि उसकी क्या एक ट्री टाइप बन रही है, एक हायरार्की बन रही है, ठीक। तो वो उसी कंसेप्ट को, हायरार्की के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और फिर ए टॉप डाउन, अगर आप टॉप से डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, स्ट्रेटजी इज एम्प्लाइड, तो इसमें टॉप से डाउनवर्ड जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई जाती है। वे आर काउंट आर एक्यूमुलेटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट एट ईच कंसेप्ट लेवल, ठीक है। तो काउंट क्या होता है, काउंट हमारे पास है सपोर्ट, ठीक है, कि ये आइटम कितनी बार हमारे पास अपेयर हुआ है, ठीक। तो वे जो काउंट क्या एक्यूमुलेट होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट, जो आपके पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, जो आपके पास सपोर्ट है एट ईच कंसेप्ट लेवल, और हर एक लेवल पे वो डिफरेंट एक होता है, स्टार्टिंग एट द कंसेप्चुअल लेवल 1, ठीक है। तो आपका जो लेवल 1 होता है वर्किंग डाउनवर्ड इन द हायरार्की, और आप नीचे जाते हैं जितने भी डिटेल से आप जाते हैं, ये आपकी मर्जी आप कौन से लेवल की पे एसोसिएशन रूल जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, द मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट लेवल अंटिल नो मोर आइटम सेट कैन बी फाउंड, ठीक है। तो ये आपके पास एक एसोसिएशन, मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल्स आपके पास आ गए। फॉर ईच लेवल एन एल्गोरिदम फॉर डिस्कवर फ्रीक्वेंट आइटम सेट मे बी यूज, लाइक आप हर एक लेवल पे आप एप्रियोरी यूज़ कर सकते हैं, एपी ग्रोथ यूज़ कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपकी मर्जी है।
तो ये हमारे पास एक मल्टी लेवल की जो है वो फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया है। तो इसको फिर मल्टी लेवल्स हम किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स है इसके, कि आपकी सपोर्ट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट आप वेरिएंट्स टू दिस अप्रोच। ठीक है, तो फिर वो क्या है, वेयर ईच वेरिएशन इन्वॉल्व प्लेइंग विद द सपोर्ट थ्रेशोल्ड, जो आप सपोर्ट थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट करते हैं तो उसके साथ आप जो है मुख्तलिफ रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रूल्स हैं। तो एक है हमारे पास, जो पहला है वो है यूनिफॉर्म सपोर्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सपोर्ट में क्या होता है कि लेवल वन पे भी आपका वही सपोर्ट रहता है, लेवल टू पे भी वही सपोर्ट रहता है, और मिनिमम जो सपोर्ट है लेवल थ्री पे भी मिनिमम सपोर्ट वही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर की शॉप में आप जाते हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसमें मिनिमम सपोर्ट आपकी क्या है, 5% है। फिर आप लैपटॉप की तरफ जाते हैं या फिर डेस्कटॉप की तरफ जाते हैं, यहाँ पे भी मिनिमम सपोर्ट कितनी है, 5 है। ठीक है, तो सेम 5% लेवल वन पे भी है, 5% लेवल टू पे भी है, 5% लेवल थ्री पे भी है। जितना आप नीचे जाते हैं टूवर्ड डाउनवर्ड, तो आपका सपोर्ट जो है वो सेम ही रहता है। तो इस तरह के सपोर्ट को, इस तरह की हायरार्की जो हमारे पास बनती है, ठीक है, तो उस को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सपोर्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सपोर्ट। द सेम मिनिमम सपोर्ट यूज व्हेन माइनिंग एट ईच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट जो है थ्रू आउट द लेवल्स हमारे पास सेम रहता है। इन बिलो फिगर द मिनिमम थ्रेशोल्ड इज 5%, हमारे पास लेवल वन पे भी 5% है, लेवल टू पे भी हमारे पास 5% है। ठीक, और बहुत कंप्यूटर एंड लैपटॉप, तो ये हमारे पास एक जो है यूनिफॉर्म सपोर्ट की एक एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म सपोर्ट की। ठीक है, कि क्या है, व्हेन ए यूनिफॉर्म मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड इज यूज द सर्च प्रोसीजर इज सिंप्लीफाइड। तो ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, क्योंकि आपको सपोर्ट हर एक लेवल पे चेंज नहीं करना पड़ता। जो भी आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं एसोसिएशन रूल्स के लिए, तो आपको उसमें सपोर्ट की वैल्यू जो है वो हर एक लेवल के लिए चेंज नहीं करनी पड़ती। तो ये क्या है, ये एक सिंप्लीफाइड मेथड है, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, तो जिस तरह आपका ए प्रायोरी का मेन मेथड काम कर रहा था, इसी तरह आपका ये भी मल्टी लेवल का भी ये आपका काम करेगा। द मेथड इज आल्सो सिंपल इन दैट यूजर आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ओनली वन मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये आपके पास ओनली वन मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड था आपके पास। ठीक है, एंड ए प्रायोरी लाइक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट एन एंसेस्टर इज ए सुपरसेट ऑफ इट्स डिसेंडेंट। ठीक है, तो एंसेस्टर क्या होता है, जो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे आता है, और डिसेंडेंट आपके पास क्या होता है, जो आपके पास जो राइट साइड पे आता है, तो उसको हम डिसेंडेंट कहते हैं, जो एसोसिएशन रूल्स में होते हैं। यहाँ पे तीर का निशान होता है, यहाँ पे एक कुछ आइटम्स आपके पास लेफ्ट साइड पे होते हैं, कुछ आइटम्स आपके पास राइट साइड पे होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंसेस्टर। जो राइट साइड पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिसेंडेंट। द सर्च अवॉइड एग्जामिनिंग आइटम सेट कंटेनिंग एनी आइटम हुज एंसेस्टर डू नॉट हैव मिनिमम सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ये थोड़ी चीज़ें, लेकिन इसमें फिर मसले मसाइल हमारे पास आ जाते हैं। मसले हमारे पास क्या आ जाते हैं, कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज हैं। ठीक है, तो क्या मसले हैं इसमें, इट इज़ अनलाइकली दैट आइटम्स एट लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विल अकर एज फ्रीक्वेंटली एज दोज एट हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप जो मैक्सिमम सपोर्ट आपकी है, फॉर एग्जांपल फूड में तो आपका जो है वो फिर एक बेवरेज या फिर कोक और पेप्सी का की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो फूड में तो वो उसकी जो मिनिमम सपोर्ट है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, वो मतलब फूड में ही आता है। ठीक है, तो वो उसकी काउंट ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप जब स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं
तो आप ये कंसिस्टेंट नहीं रख सकते, जो आपका मिनिमम सपोर्ट है आप क्या नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि आपका हो सकता है आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो मिनिमम सपोर्ट को फिर मीट ही नहीं कर रहा हो, जो मिनिमम सपोर्ट है जो थ्रेशोल्ड आपने सेट किया है वो आपका मीट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है इसमें कि जितना आप नीचे जाते हैं तो आपका जो है हो सकता है आपके जो आइटम्स है वो ज़्यादा बिक रहे हैं, उसकी काउंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपने ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट की थ्रेशोल्ड रखी है तो हो सकता है वो फिर उसका एसोसिएशन रूल कोई बने ही नहीं, क्योंकि वो एक मिनिमम सपोर्ट की थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाएगा तो वो आपका फिर आइटम जो है वो फिर स्किप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने रखा है मिनिमम सपोर्ट, अगर आपने यहाँ पे रखा है जो आप हमारा मेन एग्जांपल था, तो यहाँ पे आपने रखा है मिनिमम सपोर्ट, आपने क्या रखा है 48%, ठीक है। तो 48% में कोक अगर आता है तो वो फूड में तो 48% आएगा और सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो उसका तो कोई लेवल 1 पे आ जाएगा, लेकिन लेवल 2 पे अगर आता है आपका, ठीक है, तो इसमें फिर क्या है हो सकता है फिर यहाँ पे आपका फिर मसला आ जाता है, क्योंकि उसको बेवरेज में आना पड़ेगा, को किस में बेवरेज में आना पड़ेगा, तो उसकी जाहिर बात है सपोर्ट भी आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक। फिर अगर आप दूसरे लेवल पे आते हैं, डिटेल लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी सपोर्ट मज़ीद कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कोक उधर फिर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट की जो थ्रेशोल्ड है उसके वो हो जाएगा, मतलब वो फिर मीट नहीं करेगा, तो इस वजह से ये आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्या है, इफ़ द मिनिमम सपोर्ट थ्रेश होल्ड इससे टू हाई, अगर आपका वेरी हाई है आपका मिनिमम जो सपोर्ट है, इट कुड मिस सम मीनिंगफुल एसोसिएशन अकरिंग एट द लो एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि वो जो है वो स्किप कर जाएगा, ठीक है, तो या फिर मिस कर जाएगा, ठीक है, तो वो फिर मिस कर जाएगा जो आपके अच्छे एसोसिएशन रूल्स आपके बनने थे, लेकिन वो नहीं बन पाएगा क्योंकि आपने एक सपोर्ट बहुत हाई रखा था, तो इस वजह से वो आइटम ही वहाँ से जो रूल्स बन रहे थे वो आइटम ही वहाँ से स्किप कर गए, क्योंकि आपका मिनिमम सपोर्ट बहुत हाई था। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका वेरी लो हो, ठीक है, तो अगर आपका हाई हो तो आपका जो है ना मीनिंगफुल एसोसिएशन, जो पोटेंशियल मीनिंगफुल एसोसिएशन आपके बनने हैं, तो वो फिर आपका क्या है वो मिस हो जाएंगे। और अगर आप टू लो रखते हैं तो आपके इजाफी एसोसिएशन रूल्स बन जाएंगे जिसको आपको ज़रूरत ही नहीं है, इट मे जनरेट मैनी अनइंटरेस्टिंग, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है उस एसोसिएशन रूल्स की, और वो भी बीच में आ जाएंगे, ठीक है, अकरिंग एट हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ठीक है। तो ये आपके पास एक मसला है यूनिफॉर्म जो सपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप जो है वो फिर आपको करना पड़ेगा, मतलब ये आपको मसले इसमें आते रहेंगे, ना आप टू हाई रख सकते हैं क्योंकि आपका एक ही सपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो फिर आपको ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं देता इसको सेट करने के। तो इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास है जो रिड्यूस्ड सपोर्ट है, हमारे पास एक मेथड है हमारे पास के रिड्यूस सपोर्ट हम फिर रखते हैं। तो हमारे पास रिड्यूस सपोर्ट में क्या होता है, रिड्यूस सपोर्ट में ये होता है कि हम हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट रखते हैं, और फिर ये है कि लेवल से अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा सपोर्ट भी कम होता जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लेवल 1 पे हम 5% रखते हैं, लेवल 2 पे हम क्या रखते हैं 3% रखते हैं, लेवल 3 पे हो सकता है हम 2% रख ले, लेवल 4 पे हम हो सकता है 1% रख ले, तो उसमें क्या है कि हमारा सपोर्ट जो है वो जब हम डाउनवर्ड जाते हैं इन द हायरार्की वो हमारी क्या होती है कम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन ईच लेवल एब्स्ट्रैक्शन हैज इट्स ओन मिनिमम सपोर्ट, ठीक है, तो हर एक लेवल का अपना एक मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड होता है, द डीपर द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन द स्मॉलर द करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड इज, ठीक है। तो जितना आप डीप जाएंगे इन द हायरार्की आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो क्या होता जाएगा स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है, लेवल वन पे बिलो एग्जांपल वो मैंने एक्सप्लेन किया कि 5% है, लेवल टू पे हमारे पास क्या है 3% है. इन दिस वे कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप आर ऑल कंसिडर फ्रीक्वेंट. ठीक है, तो इसमें फिर ये है कि ये फिर फ्रीक्वेंट कंसिडर होते हैं, मींस कि मिनिमम थ्रेशहोल्ड के नीचे नहीं आते हैं. ठीक है, तो ये मिस नहीं हो सकते. तो हर एक लेवल पे अपना एक सपोर्ट होता है, एक मिनिमम सपोर्ट होता है. तो इस वजह से ये जो पिछले जो अलग जो रूल्स में हमें कोई मसले आ रहे थे यूनिफॉर्म सपोर्ट में, वो इसमें जो है वो फिर हल हो गए हैं. ठीक, फिर हमारे पास जो है जो एक दूसरा भी हम कर सकते हैं, जो जो तीसरा हमारे पास है वो उसको हम कहते हैं ग्रुप बेस्ड सपोर्ट. ठीक है, तो ग्रुप बेस्ड सपोर्ट में हमारे पास क्या है कि हम हर एक आइटम्स को अपना एक सपोर्ट दे देते हैं. फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि भाई ये आइटम बड़ा ज़रूरी है, तो इसको हम कम सपोर्ट देते हैं ताकि ये जो है हमारे एसोसिएशन रूल से निकले नहीं. ये आइटम इतना ज़रूरी नहीं है तो इसका सपोर्ट हम हाई रहे. तो आइटम वाइज हम फिर उसका ग्रुप बना के उसको आइटम्स को अपना अपना सपोर्ट देते हैं. तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्रुप बेस्ड. उस पे लेवल्स पे सपोर्ट नहीं होता, आइटम्स का अपना अपना सपोर्ट होता है. ठीक है, बिकॉज यूजर एंड एक्सपर्ट ऑफन हैव इनसाइट एज टू विच ग्रुप आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ये ग्रुप ऑफ आइटम्स है, ये मोर इम्पॉर्टेंट है देन द अदर ग्रुप ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो आप उस ग्रुप ऑफ आइटम को मोर इम्पॉर्टेंस देने के लिए उसका सपोर्ट कम रखते हैं. जो अनइम्पॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उसका सपोर्ट आप क्या रख लेते हैं, हाई रख लेते हैं. इट इज़ समटाइम्स मोर डिज़ायरेबल टू सेट ए यूजर स्पेसिफिक आइटम और ग्रुप बेस्ड मिनिमल सपोर्ट थ्रेशहोल्ड व्हेन माइनिंग मल्टी लेवल रूल्स. ठीक है, तो ये आपके पास एक आइटम्स को आप सपोर्ट करते हैं. तो ये हमारे पास जो ग्रुप बेस्ड सपोर्ट की एग्जांपल है, वो हमारे पास जो हमने पहला जो चार्ट पढ़ा हुआ था, वो हमारे पास ग्रुप बेस्ड हमारे पास सपोर्ट हो गई है. ये हमारे पास हमने इस फूड को क्या दिया था कि हमने फूड को 48% सपोर्ट हमने मिनिमम, लेकिन ब्रेड को हमने फिर 14% दे दिया है. ठीक है, और फिर बेवरेजेस को हमने 34% सपोर्ट दे दिया. तो इसका मतलब है कि हम बेवरेजेस को नहीं निकालना चाहते हैं, हम इसी के मुताबिक हम फिर हमारे हम बेवरेज सॉरी जो ब्रेड्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए इसका सपोर्ट हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं. जो बेवरेजेस है इतने इम्पॉर्टेंट हमारे पास नहीं है, तो इसका सपोर्ट हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड. तो इसका मतलब क्या है कि वाइट ब्रेड जो है हमारे पास जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सपोर्ट हमने कम रख लिया है. ब्राउन जो ब्रेड है हमारे लिए हो सकता है इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, तो इसका सपोर्ट हमने क्या रख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया है. फिर हमारे पास अगर बेवरेजेस में आते हैं तो जूसेस जो है हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सपोर्ट हमने क्या रख लिया है, थोड़ा कम रख लिया है. जो कोल्ड ड्रिंक्स है हमारे पास क्या है, इतना मतलब इम्पॉर्टेंस आप नहीं दे रहे हैं इसको. ठीक है, इसके एसोसिएशन रूल्स को, तो इसका सपोर्ट हमने थोड़ा सा ऊपर रख लिया. तो आप आइटम वाइज जो है आप फिर क्या रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं. तो ये हमारे पास एक हो गया है जो ग्रुप बेस्ड सपोर्ट है आपके पास. ठीक, तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सपोर्ट हो गया है, रिड्यूस सपोर्ट हो गया है, और हमारे पास ग्रुप बेस्ड सपोर्ट हो गया है. तो ये तीन किस्म के जो है वो फिर मल्टी लेवल्स के जो हम सपोर्ट्स जो है वो फिर रख सकते हैं. तो फिर हमारे पास आ गया है मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन. तो अभी तक हमने सिंगल डायमेंशन में सारा काम किया है, तो अभी अगर हमारी जो है वो फिर डेटा जो है मल्टी डायमेंशनल हो गई है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, सिंगल डायमेंशनल. तो सिंगल डायमेंशनल में क्या था कि हम यहाँ पे भी हमारे पास बाय आ गया है और यहाँ पे भी हमारे पास बाय आ गया है.
ठीक है। तो अगर आप बाय मिल्क करते हैं तो आप बाय क्या करते हैं, ब्रेड भी करते हैं। तो ये हमारे पास एक एसोसिएशन रूल, जिस तरह हमने ए प्रायोरी एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है या फिर एपी ग्रोथ हमने एल्गोरिदम यूज़ किया है टू फाइंड वर्ड, टू फाइंड सिंगल डायमेंशनल रूल्स हमने अभी तक फाइंड किए हैं। हमने किस चीज़ पे काम किया है, सिर्फ बाय पे काम किया है कि इस बंदे ने ये बाय किया है तो ये भी बाय कह रहे हैं। ठीक है, आइटम्स आपके चेंज हो रहे हैं लेकिन आपका जो मेन जो यहाँ पे है ना, आपका जो प्रेडिकेट्स जो है, ठीक है, तो प्रेडिकेट्स, इसको हम प्रेडिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो आपका प्रेडिकेट्स जो है वो एक ही रहता है, यहाँ पे भी बाय होता है और यहाँ पे भी बाय होता है, दरमियान में आपका तीर का निशान होता है, यहाँ पे आपके आइटम्स होते हैं। ठीक है, कि अगर ये मिल्क बाय करेगा तो ये साथ में ब्रेड भी बाय करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंगल एसोसिएशन, सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स हो गए जो हमने प्रीवियस क्लास में सारी वो कवर की थी। ठीक है, तो आप आइटम बाय करते हैं। फिर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल रूल्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल रूल्स में क्या आता है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास प्रेडिकेट्स हैं, ठीक है, या फिर इसके डायमेंशनल जो है ये एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टू प्रेडिकेट्स या फिर हमारे पास जो है वो फिर डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास दो किस्में हैं, इंटर डायमेंशनल डायमेंशन एसोसिएशन। ठीक है, तो इंटर डायमेंशन एसोसिएशन में क्या रूल्स में क्या होता है, हमारे पास नो रिपीटेड प्रेडिकेट, हमारे पास प्रेडिकेट रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज है आपके पास एक प्रेडिकेट है, और यहाँ पे एंड आप करते हैं ऑक्यूपेशन है, और यहाँ पे आप करते हैं बाय। ठीक है, तो आपके पास कितने आ गए हैं, यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के आपके पास आ गए हैं, आपके पास जो है वो जो है आपके पास तीन किस्म के आपके पास प्रेडिकेट, तीन प्रेडिकेट्स है, लेकिन इसमें कोई प्रेडिकेट रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट का क्या मतलब है, कि यहाँ पे एक एसोसिएशन रूल्स में एक प्रेडिकेट दो बार नहीं आता। यहाँ पे एज एक बार आया है, ऑक्यूपेशन भी एक बार ही आया है, और बाय भी एक बार आया है। तो ये हमारे पास इंटर डायमेंशनल जो एसोसिएशन रूल है। फिर हमारे पास दूसरा जो इसका एक एसोसिएशन रूल होता है वो हमारे पास होता है हाइब्रिड। ठीक है, उसमें रिपीटेड प्रेडिकेट्स हमारे पास, यहाँ पे एज आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे बाय दोबारा आ गया। ठीक है, लेकिन है हमारे पास मल्टी, मोर देन टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे एज आ गया है, यहाँ पे बाय आ गया है, यहाँ पे भी बाय आ गया, तो इसमें हमारे पास रिपीट हो सकता है। हमारे पास रिपीट कौन सा है, हमारे पास बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बाय, तो ये हमारे पास जो मल्टी डायमेंशनल, अभी तक हमने सिर्फ बाय पे काम किया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एज का फैक्टर भी लेंगे कि इसका एज क्या है, इसकी ऑक्यूपेशन क्या है, और फिर ये क्या बाय करता है। तो ये इस तरह के रूल्स हम बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास हाइब्रिड जो है, इसकी एज क्या है, ये बाय क्या करता है, और जब ये बाय करता है तो फिर ये भी साथ में बाय करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, दिस मेक सेंस राइट, कि हमारे पास एक कस्टमर का भी हमारे पास एक डेटा आ जाता है, तो वो एक अलग से डायमेंशन हमारे पास होता है, कि ये जो कस्टमर है इसकी एज या फिर इसकी जेंडर क्या है या फिर इसकी ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक, तो ये हमारे पास एक आ गया है दूसरे किस्म के मल्टी डायमेंशनल रूल्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो ए प्रायोरी जो आपका अल्गोरिदम है या फिर एपी ग्रोथ आपका अल्गोरिदम है, जिस जस्ट डेटा का आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, डेटा आप उसको क्या देते हैं, मल्टी डायमेंशनल आप डेटा उसको देते हैं, और वही आपका ये एसोसिएशन रूल्स बनाता है। और एसोसिएशन रूल्स किस तरह बनाता है, मल्टी डायमेंशनल रूल बनाता है। यहाँ तक को अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। जी कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। ठीक है, आज ये स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, फिर लीव कर रहे हैं, कोई इंटरनेट का इशू है या क्या है? सर एक दो ने तो ग्रुप में मैसेज कर रखा है कि उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अच्छा बाकी नहीं पता। अच्छा ठीक है ठीक है।
इसमें फिर हमारे पास है कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें दो किस्म के एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, एक तो वो हाइब्रिड और इंटर डायमेंशन हो गई है, दूसरी जो है हमारे पास जो इसकी है कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास दो तरह की है, एक क्वांटिटेटिव है एक कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल हमारे पास क्या है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, नो ऑर्डरिंग एमंग वैल्यूज, डेटा क्यूब अप्रोच, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन है, ये हमारे पास क्या है कैटेगोरिकल है, ठीक है। कैटेगोरिकल में क्या है, वो फिर स्टूडेंट होगा या फिर वो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा या फिर कोई टीचर होगा या फिर कोई और चीज़ होगा, तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल किस्म का डेटा आ सकता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ सकता है, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। जिस तरह एज हमारे पास अभी क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट हो गया है, ये फॉर एग्जांपल 19 से लेकर 25 तक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट, नोमेरिक इम्प्लिसिट ऑर्डरिंग एमंग द वैल्यूज, डिस्क्रिटाइजेशन, क्लस्टरिंग और ग्रेडियंट अप्रोच, इसके लिए फिर यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हम फिर इसका, क्योंकि वो फिर मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं, तो इसको हम डिस्क्रीट करते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन हम करते हैं इसकी, या फिर इसकी हम क्लस्टरिंग बनाते हैं, ठीक है। कि इसका फॉर एग्जांपल एज का हम अगर क्लस्टर बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स को अलग कर लेते हैं, मेच्योर को अलग कर लेते हैं, ज़्यादा उम्र के लोगों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि 18 से लेकर 25 तक एक क्लस्टर बन गया है, 25 से लेकर 35 तक दूसरा क्लस्टर बन गया है, 35 से लेकर 50 तक हमारे पास तीसरा क्लस्टर बन गया है। तो इसको जो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, हम इस तरह इसको डिस्क्रिटाइजेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हम इतना बेर हम अगर एक एक वैल्यू को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, हम फिर इसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के डेटा इसमें आ सकते हैं, और इसमें फिर बाइनरी भी हमारे पास आ सकता है, वो भी कैटेगोरिकल में होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास जेंडर है, मेल है या फीमेल है, या फिर एग्जिस्ट जो करता है येस नो का है, ठीक है। तो वो आपके पास बाइनरी, तो वो भी आपके पास क्या आ जाता है, वो भी कैटेगोरिकल में आ जाता है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली करें इसको, तो हम किस तरह इसकी माइनिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं, जो हमारा जो प्रीवियस था हमारे पास जो सिंगल डायमेंशनल जो हमारे पास एसोसिएशन रूल्स हमारे पास बन रहे थे, ठीक है। तो हम कौन सा फिर यूज़ करेंगे, जो ए प्रायोरी का मेथड है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि इट कंटेन ए सिंगल डिस्टिंक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। तो हमारे पास एक ही प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय या परचेज है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास परचेज है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी परचेज आता है और राइट साइड पे भी परचेज हमारे पास है, वेर इज मल्टीपल अकरेंस, ठीक है। तो मल्टीपल अकरेंस हमारे पास होते हैं, तो मल्टीपल अकरेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वन में क्या किया है, कस्टमर ने मिल्क और ब्रेड बाय किया है, ब्रेड एंड बटर बाय किया है, परचेज किया है। थर्ड में बियर परचेज किया है। इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सिक्स हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन है। हमने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट इक्वल टू थ्री, मिनिमम सपोर्ट हमने काउंट जो है इसका वो फिर हमने थ्री किया है। तो हम क्या कहते हैं कि इस टेबल का, फिर जो ट्रांजेक्शन टेबल का, इसका हम फिर सी वन बनाते हैं। जो ए प्रायोरी का मेथड है, हम सी वन बनाते हैं। सी वन में क्या है कि हम आइटम्स को ले लेते हैं, ठीक है। और आइटम्स हमारे पास क्या है, मिल्क है हमारे पास, ब्रेड है हमारे पास, बटर है हमारे पास, बियर है और क्या है, मेरे ख्याल से चार आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिल्क, इसको हमने नाम दिया है आई वन का, ब्रेड इसको हमने नाम दिया है आई टू का, बटर इसको हमने नाम दिया है आई थ्री का, और बियर इसको हमने नाम दिया है आई फोर का। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है ना, तो उसी वक्त मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। तो उसी ट्रांजेक्शन हमारे पास छह ट्रांजेक्शन है इधर, ठीक है। हम उसी छह ट्रांजेक्शन को इधर कैटेगराइज
किस फॉर्म में लिखते हैं, जो जो आपका अभी हमने पढ़ा हुआ था जो पाइथन में, जो आपका ट्रांजिशन वो करता है, जो ट्रांजिशन करता है तो वो क्या कर लेता है, ट्रू फॉल्स कर लेता है। ट्रू फॉल्स की बजाय हम यहाँ पे पी पर प्रेजेंट और फिर ए पर एब्सेंट, या फिर पी पर आप ट्रू और फॉल्स से भी कर सकते हैं, जीरो और वन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले ट्रांजेक्शन में क्या था, मिल्क आपका प्रेजेंट है आपका, ठीक है, ब्रेड भी आपका प्रेजेंट है आपका, ठीक है, फिर आपका बटर यहाँ पे नहीं है, वो एब्सेंट है, बियर जो है आपका क्या है, एब्सेंट है। दूसरे ट्रांजेक्शन की बात कर रहते हैं, मिल्क आपका एब्सेंट है, ब्रेड आपका प्रेजेंट है, बटर आपका प्रेजेंट है और बियर आपका क्या है, एब्सेंट है। फिर तीसरे ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों एब्सेंट है आपके पास और सिर्फ बियर आपके पास क्या है, आपके पास प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारे पास ये छह ट्रांजेक्शन का हमने डेटा यहाँ पे पुट कर लिया है और हमने एक्स सी वन की टेबल हमने बना ली है। ये ए प्रायोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जो सी वन की टेबल बना ली है तो यहाँ पे हम टोटल काउंट यहाँ पे बेयर कर लेते हैं, मिल्क कितनी बार प्रेजेंट है, वन टू और थ्री, तीन बार मिल्क हमारे पास प्रेजेंट है। ब्रेड हमारे पास कितनी बार प्रेजेंट है, वन टू थ्री फोर और फाइव, हमारे पास पांच मरतबा प्रेजेंट है। बटर हमारे पास कितनी बार प्रेजेंट है, वन टू और थ्री, तीन बार हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारा बियर हमारे पास कितनी बार प्रेजेंट है, वन और टू, हमारे पास दो बार हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या अभी कर लेते हैं, हमारे पास मिनिमम सपोर्ट कितनी है, तीन। हम क्या चाहते हैं, हम उन्हीं आइटम्स को कंसिडर करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम हमारे पास तीन मरतबा तो आए ना, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, बियर का जो डेटा है हमारे पास यहाँ से उड़ जाएगा, जो नेक्स्ट जो हाइड्रेशन में हमारे पास बियर का हमारे पास डेटा नहीं होगा, क्योंकि ये निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मिनिमम सपोर्ट जो है ये मिनिमम सपोर्ट से कम आ गया है। और अलबत्ता मिल्क ब्रेड और बटर जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हाइड्रेशन है वो उसमें आएंगे। हमारा सी वन आ गया, सी वन से फिर हम क्या कर लेते हैं, एल वन बना लेते हैं, ठीक है। एल वन हम किस तरह बनाते हैं कि हम फिर जो है वो उड़ा देते हैं, वो ख़त्म कर ले, डिलीट कर लेते हैं बियर का जो है वो, फिर डिलीट कर लेते हैं और हमारे पास जो है वो फिर सी वन क्या बन जाता है, एल वन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल वन बन गया है, इसमें बियर नहीं है, इसमें हमारे पास मिल्क है, ब्रेड है और बटर है। एल वन हमारा क्या था, मिल्क था। एल टू हमारा क्या था, सॉरी आई वन हमारा मिल्क था, आई टू हमारा ब्रेड था और आई थ्री हमारा मेरे ख्याल से बटर था, ठीक है। तो इस जी जी तो ये हम फिर इसका फिर हम क्या बनाते हैं, सी टू। सी टू में हमारे पास क्या होगा, सी टू में हमारे पास दो दो आइटम्स होंगे। सी वन में हमारे पास कितने आइटम्स थे, वन वन आइटम थे, ठीक है। सी टू में हमारे पास क्या है, दो दो आइटम्स हमारे पास होंगे। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है जो आई वन आई टू का जो बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वन में हमारे पास क्या था, आई वन और आई टू, ठीक है। तो हमारे पास आई वन और आई टू, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास आया है तीन मरतबा आया है, ठीक है, आई वन और आई थ्री। हाँ, तो इसमें हमारे पास है कि हमारे पास कितने कम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। एक आई वन आई टू का बनता है कम्बिनेशन, ठीक है, आई टू आई थ्री का बनता है कम्बिनेशन, ठीक है, और फिर आई वन और आई थ्री का बनता है कम्बिनेशन। यहाँ पे तीन हमारे पास पैटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो जब तीन हमारे पास पैटर्न्स बन सकते हैं तो आई वन आई टू हमने इधर रख लिया है, आई वन आई थ्री हमने इधर रख लिया है और फिर I2, I3 हमने रख दिया है। तो तीन तरह के पैटर्न्स हमारे पास बन सकते हैं। तो अभी हमें इस टेबल से देखना पड़ेगा कि I1, I2 हमारे पास कितनी बार हमारे पास ट्रू हुआ है। तो I1, I2 यहाँ ट्रांजेक्शन वन में हमारे पास दोनों ट्रू थे, ट्रांजेक्शन फोर में हमारे पास दोनों ट्रू थे और ट्रांजेक्शन सिक्स में हमारे पास दोनों ट्रू थे, ठीक है। यहाँ पे एक एब्सेंट है, एक प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है, एक एब्सेंट है, एक प्रेजेंट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका सपोर्ट जो है वो कितना हमारे पास काउंट आ गया, इसका सपोर्ट हमारे पास थ्री काउंट आ गया, तीन मरतबा आया है। फिर हमारे पास आई वन आई थ्री, आई वन और आई थ्री की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक
दोनों प्रेजेंट है इधर और हमारे पास दो, ये हमारे पास जो हमारे पास ट्रांजेक्शन फोर में और ट्रांजेक्शन सेस में दोनों हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका सपोर्ट काउंट हमारे पास क्या आ गया है, टू आ गया है। फिर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास है I2, I3, ठीक है। तो I2, I3 में ट्रांजेक्शन टू में हमारे पास दोनों प्रेजेंट है, ट्रांजेक्शन फोर में हमारे पास दोनों प्रेजेंट है और ट्रांजेक्शन सिक्स में हमारे पास दोनों प्रेजेंट है। तो इसकी काउंट क्या आ गई है, थ्री आ गई है। फिर भी हम देखते हैं जो मिनिमम सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो है ना वो जो मल्टी लेवल सपोर्ट का जो कंसेप्ट था ना, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा लेवल है, C2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास C2 है, जब हम इससे L2 बनाएंगे तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड आपका था ना, रिड्यूस सपोर्ट, तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म का सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर वहाँ पे 3 मिनिमम सपोर्ट था, तो यहाँ पे आप क्या सपोर्ट सेट कर सकते हैं, आप 2 सपोर्ट कर सकते, यहाँ पे आपके सारे के सारे आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टी लेवल सपोर्ट का कंसेप्ट था वो यहाँ पे, फिर आप क्योंकि ये आपका कौन सा बन रहा है, लेवल टू, आपके दो दो जो है आइटम्स इसमें आ रहा है, तो ये आपका लेवल टू आपका आ गया। तो ये आपका C2 आपका टेबल बन गया है। तो C2 से आप फिर क्योंकि हमने मल्टी लेवल अप्रोच इसमें नहीं किया, तो हमारा वही मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड थ्रू आउट सेम ही रहेगा। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड हमारा क्या था, 3। हमारा जो I1, I3 है ये हमारा जो है इसमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो I1 जो I3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बाकी हमारे पास दो ही रह जाएंगे। तो हम जब L2 बनाते हैं इसका, ठीक है, हमारे पास दो ही रह जाएंगे, एक है I1, I2 और फिर I2 और I3, क्योंकि इसके मिनिमम सपोर्ट हमारे पास क्या है, ये मीट कर रहा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो I1 हमारा क्या था, मिल्क था, I2 हमारा ब्रेड था, ठीक है, I2 हमारा ब्रेड है और I3 हमारा क्या है, बटर है। तो इसको आप बाय नेम भी इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर क्या है, आप इससे फिर एसोसिएशन रूल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके कितने एसोसिएशन रूल्स बनेंगे, I1 से I2 और फिर I2 से I1, फिर I2 से I3 और I3 से I2, ठीक है। तो ये I1 से I2 फिर ये दूसरे सीमत में चला गया है, I2 से I1, ठीक है, फिर I2 से I3 और फिर I3 से I2, ये आपके पास 4 पॉसिबल रूल्स आपके पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे I1 जो कॉन्फिडेंस इसकी वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, I2 जी मिनिमम फॉर 3 कर दी थी, समझ नहीं आई आपकी, मिनिमम हाँ जो L2 आपका बन गया है उसमें आपने मिनिमम निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो था ना आपका I1, I3 ये आपने निकाल दिया है, ओके, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो मिनिमम सपोर्ट था वो 2 आ रहा है, 2 जो है वो फिर 3 से कम है, तो आपके दो ही आइटम बचते हैं, ठीक है। तो दो आइटम आपके पास कौन से बचेंगे, I1, I2 और फिर I2, I3, तो ये आपके पास जो है वो दो आइटम्स आपके पास बच गए। तो इस दो आइटम्स में आपके पास कितने पॉसिबल रूल्स हो सकते हैं, आपके पास 4 पॉसिबल रूल्स हो सकते हैं, एक इस तरफ I1 से I2 की तरफ इस तरफ, और फिर आपके पास इस तरफ भी एक रूल बन रहा है I2 से I1 की तरफ भी रूल बन रहा है, I2 से I3 की तरफ एक रूल बन रहा है और फिर I3 से I2 की तरफ एक रूल बन रहा है, ठीक है। तो इसकी फिर हम कॉन्फिडेंस वैल्यू चेक करते हैं कि I1 से I2, ठीक है, तो I1 से I2 इसका अगर हम कॉन्फिडेंस वैल्यू निकालते हैं तो इसमें क्या है कि इसकी क्या है कि I2 का कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय I1, ठीक है। तो I1 का जो है आपके पास जो सपोर्ट है आपके पास 3 था, इसका भी 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, 100% इसका आपका कॉन्फिडेंस आ गया है। I2 से I1 तक I1, I2 आपके पास 3 था और फिर I2 आपके पास क्या था, 5 था। 5 किधर था, ये हम देख लेते हैं, इधर कहीं होगा। I2 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास I2 जो था वो यहाँ पे ही होगा कहीं पे,
आई टू हमारे पास क्या है, फाइव है, इधर ये देख ले इधर फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास आई टू हमारे पास क्या है, फाइव है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप अगर डिवाइड करते हैं इस पे, जो वही जो कॉन्फिडेंस का फार्मूला है, आई वन आई टू डिवाइड बाई आई टू, थ्री बाई फाइव आपके पास आ गया, तो वो आपका क्या है, 60% कॉन्फिडेंस है। आई टू आई थ्री की बात अगर करते हैं, आई टू आई थ्री ऊपर आ जाएगा थ्री, और आई टू नीचे आ जाएगा तो वो फाइव है, थ्री बाई फाइव आपके पास क्या आ गया, 60% कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया है। तो कॉन्फिडेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, रूल्स को सेलेक्ट करने के, कि हमने कौन कौन से रूल्स इसमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाता है, जो आपके मिनिमम कॉन्फिडेंस आप सेट करते हैं तो आपका आखिरी स्टेज पे वो आ जाता है। आई थ्री आई टू में क्या है, आई टू आई थ्री आपका थ्री आ गया है, आई थ्री आपका क्या है, थ्री है, ठीक है। तो आपका 100% यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया। तो यहाँ पे फिर आप मिनिमम कॉन्फिडेंस जो है वो फिर सेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 60% मिनिमम कॉन्फिडेंस आप सेट करते हैं तो आपके चार रूल्स बनते हैं, रूल नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 70% आप कॉन्फिडेंस सेट करते हैं, यहाँ पे मिनिमम कॉन्फिडेंस सेट करते हैं, तो आपके कितने रूल्स बनते हैं, आपका ये एक रूल बनता है और आपका ये कि आई वन से आई टू तक ये आपका रूल बन गया है, और आई थ्री से आई टू तक ये आपका एक रूल बन गया, क्योंकि वो मिनिमम जो कॉन्फिडेंस आपका है वो उससे पड़ जाता है, ठीक। ये आपका है कि आपके अगर 70% आपके पास हो कॉन्फिडेंस, ठीक है, मिनिमम कॉन्फिडेंस आपके पास सिंगल 70% हो तो ये आपका आई वन और फिर आई टू और फिर आई थ्री और आई टू, ठीक है। तो ये आपके पास एक बन गया है, ये आपके पास रूल था ना, ठीक है। तो आप जब प्रीवियस में जाता हूँ, ठीक है, आई वन आई आई टू आपका बन गया है, आई वन आई टू में क्या है, आई वन आपका क्या है, आई वन आपका है मिल्क है, और आई टू आपका क्या है, ब्रेड है, ठीक है। और फिर आई थ्री आई टू, आई थ्री आपका क्या है, बटर है, और आई टू आपका क्या है, ब्रेड है, ठीक है। तो ये आपके पास ये एक दो रूल्स बन गए हैं विद द मिनिमम कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि अगर आप मिल्क परचेज करते हैं तो साथ में ब्रेड भी परचेज करते हैं, अगर कोई बटर परचेज करता है तो साथ में ब्रेड भी परचेज करता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है वो फिर इसके दो रूल्स आपके आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, सिंगल वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें से क्या आ जाएगा, एक मिनिमम सपोर्ट इक्वल टू टू, देन थ्री आइटम सेट कम्बिनेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपका क्या है कि आपका अगर मिनिमम सपोर्ट आपका टू हो, ठीक है, तो उसमें फिर अगर आप पूरा ये प्रोसेस दोबारा कर लें तो उसमें आपका जो है इस तरह का एक बन सकता है, क्योंकि आप थ्री लेवल्स पे भी आपके पास तीन आइटम्स उसमें आ सकते हैं, यहाँ पे तो आपके सिर्फ दो आइटम्स आ गए ना, आपके पास फिर तीन आइटम्स भी आ सकते हैं अगर आपका मिनिमम सपोर्ट जो है वो टू हो, ठीक है। तो वो फिर आपका मिल्क भी आ सकता है, बटर भी आ सकता है, और वो फिर क्या करेंगे, ब्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन इसके लिए फिर आपको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम सपोर्ट से आप करते हैं विद टू, तो आपका ये रूल आपका जनरेट हो सकता है। तो ये आपके पास आ गया है जो सिंगल वैल्यू का था, ठीक है। तो ये अभी जो सिंगल डायमेंशनल, जो मल्टी डायमेंशनल का डेटा हमारे पास होगा, ठीक है, तो उसका हम किस तरह फिर एसोसिएशन रूल्स हम बना सकते हैं, तो वो अभी हमने देखना है कि वो हम किस तरह फिर इसकी एसोसिएशन रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इसमें क्या है, इट कंटेन्स टू और मोर प्रेडिकेट्स, तो इसमें हमारे पास प्रेडिकेट्स जो है हमारे पास वो एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं या फिर दो से ज़्यादा होते हैं, और ईच प्रेडिकेट अकर ओनली वंस, ठीक है। तो हम कौन से की बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड की नहीं बात कर रहे हैं, हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, इंटर डायमेंशनल एसोसिएशन की, कि उसमें क्या है कि वो प्रेडिकेट आपके रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया है मल्टीपल डायमेंशनल का, कि इसमें एक तो प्रेडिकेट्स आपके पास दो या दो से ज़्यादा होते हैं,
और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंटर डायमेंशनल की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रिपीट नहीं होते। तो उसके एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट ये कौन सा कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल में आपके पास इसमें तो दो वैल्यूज है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकते हैं कि स्टूडेंट यस है या नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आपकी आसानी के लिए यही है कि हमने वो क्या क्या है इसमें बाइनरी सिर्फ कैटेगरीज है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट है और उसका क्रेडिट रेटिंग जो है एक्सेलेंट है, मतलब उसके पास क्रेडिट ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो बाय लैपटॉप। ये हमारे पास एक रूल है। तो ये कौन सा एक रूल है, ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल हमारे पास रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रेडिकेट स्टूडेंट आ गया है, दूसरा प्रेडिकेट हमारे पास क्रेडिट रेटिंग आ गया है, तीसरा जो है हमारे पास जो आपका है जो प्रेडिकेट है वो हमारे पास बाय लैपटॉप आ गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दूसरा एसोसिएशन रूल अगर हम डिस्कस, स्टूडेंट अगर नहीं है और उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है फेयर है, तो वो बाय लैपटॉप जो है वो नो करता है, ठीक है। तो वो लैपटॉप जो है वो बाय नहीं करता। तो इसकी अगर हम एग्जांपल अगर देख रहे, तो हमारे पास ये एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास है कि ये स्टूडेंट यस है, क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट है, तो ये बाय लैपटॉप करेगा। स्टूडेंट यस है, फेयर है क्रेडिट रेटिंग, और फिर ये लैपटॉप बाय नहीं करेगा। स्टूडेंट नहीं है, उसकी एक्सेलेंट क्रेडिट रेटिंग है, तो ये हमारे पास जो है वो बाय लैपटॉप करेगा। ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग भी क्योंकि हमारे पास वो कैटेगोरिकल में वो रिपीटिंग नहीं आती, लेकिन ये बाइनरी है, जस्ट टेबल बढ़ाने के लिए वो फिर ये रिपीट कर गया है। तो इसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, एप्रायोरी मेथड में हम सिर्फ आइटम्स की वो करते हैं, आइटम्स की बेस पे वो करते हैं कि उसकी कितनी सपोर्ट आ गई है। फिर ये आपकी स्टूडेंट यस है, यहाँ पे फेयर है, और यहाँ पे नो, ये भी रिपीट हो गया। ये कौन से ट्रांजेक्शन का रिपीट है, ये टू का रिपीट है। फिर हमारे पास नो है, स्टूडेंट नो है, हमारे पास फेयर है हमारे पास, और फिर ये हमारे पास क्या आ गया है, नो आ गया है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है इस टेबल से कि हमारे पास स्टूडेंट है, हमारे पास एक प्रेडिकेट, हमारे पास क्रेडिट रेटिंग है हमारे पास, और फिर क्या है हमारे पास बाय लैपटॉप से। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया है, हम पहले जो थे वो फिर जो मिल्क और ब्रेड और बटर की जो एग्जांपल थी, वो उसी को मतलब मिल्क को हम एक नाम दे देते थे, आइटम नंबर दे देते थे, लेकिन इसमें एक कैटेगरी को हम फिर एक आइटम नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मिल्क जो था वो क्या था, मिल्क, वो मिल्क जो था हमारे पास आई वन था, ठीक है। मिल्क हमारे पास क्या था, आई वन था। हमारे पास क्या था, ब्रेड हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास आई टू था। हमारे पास जो हमारे पास बटर था वो क्या था, वो हमारे पास आई थ्री था। हमारे पास हमारे पास बियर था, हमारे पास वो क्या क्या था, आई फोर था, ठीक है। तो ये हमारे पास थी, हमने इन आइटम्स को बस जस्ट आइटम सेट में डाल दिया था, क्योंकि वो वन डायमेंशनल था। अभी हमारे पास क्या आ गया है, मल्टी डायमेंशनल डेटा आ गया है। तो हम इसके हर एक पॉसिबिलिटी को एक आइटम सेट का नाम देंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है कि हमारे पास सिर्फ बाइनरी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ येस नो है, या फिर एक्सेलेंट फेयर है, या फिर यहाँ पे भी येस नो है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी हमारे पास, अगर आपके पास कैटेगोरिकल आ जाती है या फिर दूसरी टाइप की आ जाती है, तो उसमें आपको मल्टीपल आइटम सेट बनाने पड़ेंगे। तो अगर इसी का जस्ट मतलब बाइनरी का आपके समझने के लिए अगर हम इसके आइटम सेट बना ले, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी 6 पॉसिबिलिटी किस तरह हो सकते हैं कि स्टूडेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट है आई वन, स्टूडेंट नहीं है आई टू। फिर क्रेडिट रेटिंग उसकी एक्सेलेंट है आई थ्री, फेयर है आई फोर। फिर हमारे पास बाय लैपटॉप करता है आई फाइव, और बाय लैपटॉप नहीं करता आई सिक्स। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्यूपेशन का था, स्टूडेंट के बजाय ऑक्यूपेशन का था, आपके पास 6 कैटेगरी थी,
ठीक है, तो आपका क्या आई वन से लेकर आई सिक्स तक वहां पे आ जाता था आपका, ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ये आपके पास, आपके पास जो है वो ये सिंगल डायमेंशन में था, हम पूरे के पूरे आइटम को एक आइटम सेट आइटम नंबर दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम एक एक कैटेगरी को, उस आइटम के एक एक कैटेगरी को हम क्या देते हैं, एक आइटम नंबर दे देते हैं। ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स इसके आ गए हैं। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, ए प्रायोरी मेथड हम इसी में भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग रखी हुई है, ये जहन में रखना चाहिए कि इसका मिनिमम सपोर्ट हमने क्या रखा है, वन रखा है, और पी पर प्रेजेंट और ए पर एब्सेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था इसी तरह हम इसी में भी कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आपका जो है वो फिर ये दोबारा यहाँ पे लिख लिया है कि आपका वही टेबल है, ठीक है, और आपने उसके एट्रीब्यूट्स जो आइटम सेट यहाँ पे जनरेट किए हैं, ठीक है, और फिर आपका इसका सी वन बनाते हैं। तो सी वन क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके क्या उसके आइटम्स आ जाते हैं, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव और आई सिक्स, ठीक है। तो ये आपके आइटम, और फिर आप इस इन ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन्स को आप देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में आपका क्या है, जो फर्स्ट नंबर आपके कितने ट्रांजेक्शन हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो गए, ठीक है। तो सिक्स ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट क्या है, यस यस, नो नो, यस नो, ठीक है। तो पी पी ए ए पी ए, फिर आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है, एक्सेलेंट फेयर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट और फेयर फेयर। तो एक्सेलेंट आपका क्या था, पी था, फेयर आपका क्या है, वो जो है, नहीं नहीं सॉरी, वो आपका एक्सेलेंट जो था वो आई आई थ्री है, ठीक है। तो आपका जो है आई टू आपका क्या आ गया है कि स्टूडेंट इक्वल टू नो, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वल टू नो आपका क्या आ गया है कि येस की बजाय यहाँ पे एब्सेंट आ जाए, क्योंकि नो यहाँ पे एब्सेंट है, येस की बजाय यहाँ पे नो आ गया, तो ये नो आपका एब्सेंट है, नो यहाँ पे प्रेजेंट है, नो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका नो प्रेजेंट आ गया है, नो प्रेजेंट आ गया है, नो यहाँ पे एब्सेंट है, और फिर नो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आई थ्री आपका क्या है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट यहाँ पे प्रेजेंट है पहले में, ठीक है, दूसरे में क्या है, एब्सेंट है, फिर तीसरे में क्या है, प्रेजेंट है, फिर इसमें क्या है, चौथे में प्रेजेंट है, फिर फिफ्थ और सिक्स में आपका क्या है, एब्सेंट है। फिर आप फेयर की, आई फोर की, फेयर की बात करते हैं, पहले में आपका क्या है, एब्सेंट है, दूसरे में आपका क्या है, प्रेजेंट है, तीसरे और चौथे में आपका एब्सेंट है, ठीक है, और फिर जो फिफ्थ और सिक्स्थ है उसमें आपका क्या है, ये प्रेजेंट है। फिर आई फाइव की हम बात करें, आई फाइव आपका क्या है कि लैपटॉप बाई करता है, यस, ठीक है, तो यस आपका यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, फिर आपका यहाँ पे यस एब्सेंट है, ठीक है, यस यस प्रेजेंट है दोनों पे, और नो नो यहाँ पे आपका यस जो है आपका क्या है, एब्सेंट है। फिर आपका क्या है, आई सिक्स आपका अगर बाई इक्वल टू नो हो, ठीक है, तो वो फिर आप कहते हैं यहाँ पे यस है तो नो प्रेजेंट है, नो सॉरी एब्सेंट है, यहाँ पे नो है तो आपका नो प्रेजेंट है, यहाँ यस और यस है तो आपका नो क्या है, एब्सेंट है, फिर आपका नो और नो है तो आपका नो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका सी वन बन गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका आइटम सेट से आपका सी वन बन गया है। सी वन में फिर आप मिनिमम थ्रेशहोल्ड अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम थ्रेशहोल्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन गया है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है आपका, ये भी थ्री है, और ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ऑल आइटम्स आपके क्या है, वो थ्री है। तो आपका मिनिमम थ्रेशहोल्ड आपका क्या था, मिनिमम सपोर्ट थ्रेशहोल्ड आपका वन था। तो ये सारे के सारे जो आप L1 बनाते हैं तो सारे के सारे वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जब L1 बनाते हैं इससे, तो ये सारे के सारे आपने कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे इधर आ जाते हैं। तो अभी आप L1 से आप क्या बनाते हैं, C2, C2 आपका क्या है, दो आइटम सेट आपके किस तरह आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कितने कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं, I1, I2 का एक कॉम्बिनेशन,
I1 I3 का एक कॉम्बिनेशन, I1 I4 का एक कॉम्बिनेशन, I1 I5 का कॉम्बिनेशन, I1 I6 का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आप I2 पे आते हैं, I2 I3 का कॉम्बिनेशन, I2 I4 का कॉम्बिनेशन, I2 I5 का कॉम्बिनेशन और I2 I6 का कॉम्बिनेशन। फिर आप I3 पे आते हैं, I3 I4 का कॉम्बिनेशन, I3 I5 का कॉम्बिनेशन, I3 I6 का कॉम्बिनेशन। इस तरह आप जितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन होते हैं तो 2 power 6 आपका मेरे ख्याल से 18 कॉम्बिनेशन आपके इस तरह बनेंगे, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन आपके इस तरह यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो आप फिर इसको फिर काउंट भी मैयर करते हैं, ठीक है। तो काउंट जो मैयर करते हैं, I1 I2 आपके पास कोई भी दोनों प्रेजेंट नहीं है तो आपका काउंट क्या हो गया है, 0। I1 I3 आप देखते हैं, I1 यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, 1 हो गया है, और फिर यहाँ पे कोई भी, तो ये इसका काउंट क्या हो गया है, 1 हो गया। I1 I4 को देखते हैं तो यहाँ पे आपके जस्ट इस ट्रांजेक्शन में आपके दोनों प्रेजेंट है और फिर इस ट्रांजेक्शन में भी आपके दोनों प्रेजेंट है, तो वो काउंट आपकी क्या हो गई है, 3 हो गए। तो इस तरह फिर आप सारे करके इस तरह आप C2 बनाते हैं। C2 जब बनाते हैं तो C2 से फिर L2 बनाते हैं। L2 में आप क्या कहते हैं, जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड है आपका, जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशहोल्ड है वो आपने क्या सेट किया हुआ है, तो आपने 1 सेट किया, तो यहाँ I1 I2 उड़ जाएगा यहाँ से, और फिर क्या है जो I3 I4 है ये ख़त्म हो जाएगा, I3 I6 है ये ख़त्म हो जाएगा, I4 I5 है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर I5 I6 है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। जो जितने भी ज़ीरो वाले हैं, जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड से कम आ रहे हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा। तो ये आपका L2 बन गया है, आपने सारे उड़ा दिए हैं, वो ज़ीरो ज़ीरो वाले वो उड़ा दिए हैं, और फिर आप यहाँ से क्या बनाते हैं, आप यहाँ से C3 बनाते हैं, ठीक है। तो C3 जो आप बनाते हैं, तो आपका C3 है तो थर्ड लेवल है आपका, इसमें आपके कितने आइटम्स होंगे, इसमें आपके 3 आइटम्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो आपका है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है आइटम जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट आइटम कॉमन होना चाहिए, तो इसमें क्या है, I1 यहाँ पे कॉमन 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 है, ठीक है। तो ये जब इन चारों में I1 कॉमन है, फर्स्ट आइटम कॉमन है, तो आपके कितने बनेंगे, तो 2 power 4 में मेरे ख्याल से आपके 8 यहाँ पे बनेंगे, I1 I3 और फिर I4 के साथ, I1 I3 I5 के साथ, I1 I3 I6 के साथ, और फिर ये आपका इस तरह बन गया है, और फिर आप क्या बनेंगे, I1 I4 I15 I5 के साथ, I1 I4 I6 के साथ, और फिर I1 I5 I6 के साथ। तो इस तरह आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, I1 I3 I4 के साथ, I1 I3 I5 के साथ, I1 I3 I6 के साथ। यहाँ पे I1 I3 का ख़त्म हो गया है, फिर I4 पे आप आते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कॉमन किसके साथ है, I1 I5 के साथ और I1 I6 के साथ। तो I1 I4 I5 के साथ, I1 I4 I6 के साथ। फिर आप आते हैं I1 I5 पे, तो I1 I5 I6 के साथ ये फिर बनता है। फिर आप किस पे आते हैं, I2 I3 पे आते हैं, तो I2 I3 I4 के साथ बनता है, I2 I3 I5 के साथ, I2 I3 I6 के साथ, ठीक है। और फिर I2 I3 I4 के साथ, I2 I3 I5 के साथ, I2 I3 I6 के साथ। फिर आपका ये जो ख़त्म हो जाता है, फिर I2 I4 पे आ जाते हैं, तो I2 I4 I5 के साथ और I2 I4 I6 के साथ, तो I2 I4 I5 के साथ और I2 I4 I6 के साथ। फिर आपका ये जो है वो फिर I2 I5 और फिर I6 के साथ, I2 I5 और I6 के साथ। और यहाँ पे जो है I3 I5 यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई और रिपीटिंग नहीं है जिसका फर्स्ट आइटम सेम हो। I4 I6 जो है वो फिर डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि I4 I6 का जो I4 किसी और का फर्स्ट आइटम नहीं है,
ठीक है, तो ये दोनों जो है वो फिर क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। जो हमारा सी थ्री बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, ठीक है, तो ये फिर आप इस तरह आप जो दूसरे टेबल को देख के वो फिर आप कर सकते हैं कि आपका क्या है कि आई फोर आई थ्री और आई आई वन आई फोर आई सॉरी आई वन आई थ्री और आई फोर आपका आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख ले आई वन आई थ्री और आई फोर ऑल प्रेजेंट आ रहे हैं, इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका जीरो हो गया है। फिर आई थ्री आई वन आई थ्री आई फाइव, तो आई वन आई थ्री आई फाइव आप देखते हैं तो आई वन आई थ्री आई फाइव जो आपका पहला है वो फिर आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। बाकी आप देख ले बाकी किसी में आपका ऑल प्रेजेंट नहीं आता। तो इसका काउंट कितना हो गया है, इसका काउंट भी हो गया है वन हो गया है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया है, ये आपका सी थ्री एक टेबल बन गया है और इसके काउंट भी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें अभी। ठीक है आगे जाएं। यस सर, आगे चलें। ओके okay. तो ये एस सी थ्री का फिर आप एल टू सॉरी एल थ्री बनाएंगे। एल थ्री में क्या बनाएंगे कि ये जो आपके हैं ये जीरो वाले ये डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि मिनिमम सपोर्ट आपका क्या है, मिनिमम सपोर्ट आपका वन है। तो ये जीरो वाले सारे के सारे इधर जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे और जो नॉन जीरो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके एल थ्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जब L3 आप बनाते हैं तो ये आपका L3 बन जाएगा, ठीक है। तो L3 में फिर मज़ीद आप देखते हैं फोर आइटम्स के लिए, लेकिन फोर आइटम्स आपके साथ बनते नहीं है क्योंकि फोर आइटम में क्या है, फर्स्ट टू जो है आपके फर्स्ट टू आइटम्स जो है वो मस्ट बी द सेम, ठीक है। तो आई आई वन आई किसी और में आ रहा है, आई वन आई नहीं आ रहा, आई वन आई किसी और में आ रहा है, नहीं आ रहा, आई टू आई थ्री किसी और में आ रहा है, नहीं आ रहा, आई टू आई फोर किसी और, मतलब कोई आपका कंबाइंड टू आइटम्स का सेट नहीं है। फोर आइटम्स जनरेट नॉट पॉसिबल एज फर्स्ट टू आइटम आर नॉट सेम। तो आप यहाँ पे ही रुक जाते हैं, आप एल थ्री पे ही रुक जाते हैं और यहाँ पे आपके चार पॉसिबल जो है वो फिर एसोसिएशन रूल्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है आपका यहाँ पे आपके ने काउंट भी लिख लिया है, ठीक है। तो आप फिर वही कॉन्फिडेंस आप निकालते हैं इसका, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस सेलेक्ट दोज रिकॉर्ड हैविंग आई फाइव एंड आई सिक्स आइटम्स एज दे रिप्रेजेंट फाइनल क्लास लेबल्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फिर फाइनल क्लास लेबल आपका आई फाइव और आई सिक्स हो गए। तो आई वन आई थ्री आई फाइव आई टू आई आई थ्री आई फाइव हो गया है, ठीक है। और फिर आपका आई वन आई फोर आपका आई सिक्स हो गया है और फिर आई टू आई फोर आपका आई सिक्स हो गया। तो वही चार रूल्स हैं, हमने थोड़े से उलट पुलट आई फिफ्टीन वाले आई फाइव वाले सॉरी ऊपर लिख लिए, आई सिक्स वाले हमने क्या किया है नीचे लिख लिए। तो वो फिर आई थ्री और फिर जो इसका जो अगर कॉन्फिडेंस हम निकालते हैं आई थ्री आई वन आई थ्री आई फाइव डिवाइड बाय, क्योंकि वो टू आइटम सेट हम लेंगे ना, तो आई थ्री और आई वन का जो सपोर्ट है, तो आई थ्री आई वन आई थ्री आई फाइव का जो सपोर्ट है वो हमारे पास वन है। आई वन आई थ्री का क्या है वो भी हमारे पास वन है, ठीक है। इसका हमारे पास आई थ्री आई वन सॉरी आई वन आई थ्री आई फाइव का जो सपोर्ट है वो वन है। और फिर अगर हम देख लेते हैं इधर पिछले टेबल में आई वन आई थ्री I1 और I3 का सपोर्ट हमारे पास क्या है वो भी हमारे पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1 हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 1 आ गया है, तो वो 100%। इस तरह आप दूसरों का भी इसी तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पे वो 100% इसका आ गया है। तो यहाँ पे जो हमारे रूल्स बन रहे हैं वो कितने रूल्स बन रहे हैं, 4 रूल्स हमारे पास बन रहे हैं। तो ये हमने कौन सी माइनिंग की है, माइनिंग मल्टी डायमेंशनल, तो हमने मल्टी डायमेंशनल माइनिंग की है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो मल्टी डायमेंशनल की एक एग्जांपल है, हम किस तरह पे रूल इसके बना सकते हैं
और किस तरह ए प्रायोरी जो एल्गोरिदम है हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो ये हमारे पास चार रूल्स यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप मतलब आई वन हमारे पास क्या है, आई वन हमारे पास इफ स्टूडेंट इज येस, और फिर हमारे पास क्या है, आई थ्री हमारे पास क्या है, क्रेडिट रेटिंग इज एक्सेलेंट, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमने वो टेबल बनाया था ना, यहाँ पे ये जो हमने टेबल बनाया था कि हमारे पास आई वन क्या है, स्टूडेंट हो, आई थ्री क्या है, हमारे पास इसकी एक्सेलेंट हो, क्रेडिट रेटिंग, और फिर ये लैपटॉप बाई कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इन आई वन आई थ्री और आई फाइव और आई सिक्स इसको अगर हम वर्ड्स में लिख ले तो वर्ड्स में हमारे पास इधर ये रूल जो है, अगर हम वर्ड्स में लिखे तो ये हमारे पास वर्ड्स में इधर लिखे हुए। तो ये हमारे पास चार रूल्स यहाँ पे बन गए हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइब्रिड भी इसमें आ सकते हैं। ये दूसरा हमारे पास पहले पहले वाला क्या था, ये पहले वाला था हमारे पास के हमारे पास इंटर डायमेंशन, हमारे पास रिपीट नहीं हो सकता यहाँ पे इस हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई प्रेडिकेट है हमारे पास वो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है, यहाँ पे बाई लैपटॉप, तो ये हमारे पास रिपीटेशन इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है, यहाँ पे बाई लैपटॉप है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई रिपीटेशन हमारे पास कोई नहीं है एक ही जो रूल में, लेकिन हाइब्रिड में हमारे पास रिपीटेशन आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन आ गई है कि स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, तो ये स्टूडेंट है, फिर क्रेडिट रेटिंग है इसमें, और फिर बाय डेस्कटॉप और बाय डेस्कटॉप, तो ये हमारे पास बाय कितनी बार आ गया है, दो बार आ गया है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है, यहाँ पे एक बार बाय आ गया है, यहाँ पे दूसरी बार बाय आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड जो है ना, हमारे पास जो हाइब्रिड मल्टी डायमेंशनल है, तो वो हमारे पास इस तरह का डाटा आ गया है। अगर इस तरह का टेबल आपको दिया गया हो तो आप भी वही जो ए प्रायोरी जो एल्गोरिदम है हमने जिस तरह इसके लिए अप्लाई किया है, आप इसके लिए भी अप्लाई करके ये रूल जो है वो फिर इससे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे, थोड़ी सी फोकस इसके लिए चाहिए होगी, ठीक है, लेकिन एक बार आपको ये तरीका आ गया है तो फिर कोई इशू नहीं है आपको कोई भी एसोसिएशन रूल्स बनाने का, आगे जाएं फिर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं। नो सर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एक फैसिलिटी दी गई है कि कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग में क्या है कि हम यूज़र को एक तरह से फैसिलिटेट कर लेते हैं, हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र क्या चाहता है, ठीक है, तो उसके जो है ना उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हम माइनिंग कर रहे हैं। मतलब हम माइनिंग करते हैं, हम अपने लिए तो नहीं करते ना, हम किसी और के लिए करते हैं, तो हम उससे भी इनपुट लेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, आप कौन से आइटम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप कौन सी एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप कौन से एरिया पे, कौन से एरिया के डेटा पे आप फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी इनपुट बहुत ज़रूरी है, जो आपका यूज़र है ना, तो उसकी इनपुट बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कौन सी टाइप की या फिर के किस चीज़ की माइनिंग चाहिए, ठीक है। तो ये है कि फाइंड ऑल पैटर्न्स इन डेटाबेस ऑटोनोमसली अनरियलिस्टिक, ठीक है, तो आप हर एक पैटर्न आप किसी ह्यूज नंबर ऑफ डेटाबेस में, वो एक अनरियलिस्टिक सी बात आ जाती है, ठीक है। पैटर्न कुड बी टू मैनी बट नॉट फोकस, ठीक है, तो हर एक फोकस नहीं हो सकता, जिसको यूजर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर उसी रिक्वायरमेंट पे फोकस नहीं हो सकता। अगर आप जनरल माइनिंग करें ना, ठीक है, तो उसमें फिर वो फोकस आपका कहीं लॉस्ट हो जाता है, आपके मुख्तलिफ एसोसिएशन रूल्स आ जाते हैं, या फिर इस तरह माइनिंग हो जाती है जो आपको चाहिए वो ही नहीं है, तो क्यों अपना फिर एनर्जी और टाइम और रिसोर्स क्यों वेस्ट करें उससे। तो इससे बेहतर है कि कोई आप रूल्स बनाएं, यूज़र से इनपुट लेके आप रूल्स बनाएं, कुछ कंस्ट्रेंट उस पर
लगाएं, ठीक है। तो डेटा नाम माइनिंग शुड बी इंटरेक्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, आप यूजर के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको इस चीज की क्या, आपके पास डेटा है लेकिन आपको क्या आंसर्स क्या चाहिए, क्या कौन से क्वेश्चन है आपके जिसके आंसर्स चाहिए। डेटा माइनिंग क्या है कि आपके डेटा के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यूजर डायरेक्ट व्हाट टू बी माइंड, ठीक है। तो यूजर जो है आपका आपको डायरेक्ट करता है कि आपने क्या चीज माइन करनी है, ठीक है। यूजिंग ए डेटा माइनिंग क्यूरी लैंग्वेज, और आपको वो डेटा माइनिंग जो क्यूरी लैंग्वेज या फिर देता है, ठीक है, कोई कोई आपको क्वेश्चन करता है या फिर कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करता है। कंस्ट्रेंट बैंड बेस माइनिंग आपकी क्या है, ठीक है। कंस्ट्रेंट बेस माइनिंग जो है यूजर फ्लेक्सिबिलिटी, आपके यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कंस्ट्रेंट ऑन व्हाट टू बी माइंड, ठीक है। तो आप हर एक चीज, आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड होते हैं लेकिन आप माइनिंग जब अप्लाई करते हैं तो आप सारे के सारे डेटा पे नहीं करते, आप एक पोर्शन ऑफ डेटा पे करते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमाइजेशन आपकी जो प्रोवाइड करता है, एक्सप्लोर सर्च कंस्ट्रेंट फॉर एफिशिएंट माइनिंग, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो कंस्ट्रेंट बेस्ड माइनिंग है वो कंस्ट्रेंट पुशिंग सिमिलर टू पुश सेलेक्शन, जो आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या सेलेक्ट करते हैं, वेयर स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो आप जो एसक्यूएल क्यूरीज आप लगाते हैं तो वेयर आप, तो आप उसमें क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं डेटा को, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी पूरे पाकिस्तान का डेटा चाहिए है आपके पास, लेकिन आप सिर्फ मियांवाली के डेटा पे आप कोई डेटा माइनिंग के जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले एसक्यूएल की कोई क्यूरी अप्लाई करते हैं वेयर सिटी इक्वल टू मियांवाली। तो आप क्या कहते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक क्यूरी आपके पास लिखूं, तो आप क्या, आपके पास फॉर एग्जांपल सेलेक्ट आपके पास क्या है, सेलेक्ट आपके पास पूरे नादरा का डाटा है पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। तो आपका क्या चाहता है, नेम और फिर CNIC आपको चाहिए किसी बंदों का, ठीक है। तो आप नेम और CNIC फ्रॉम जो पाकिस्तान आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो पाकिस्तान से आप जो नादरा का डेटाबेस है उससे आप, लेकिन आप यहाँ पे वेयर करते हैं, ठीक है। वेयर आप क्या करते हैं कि वेयर आप करते हैं कि सिटी इक्वल टू आप क्या कहते हैं, मियांवाली, ठीक है। तो आपकी सिटी जो है वो मियांवाली हो। फर्दर आप इसमें फिर फिल्ट्रेशन करते हैं, एंड आपका हो गया है, एंड आपका फर्दर क्या हो गया है, इनकम, जो आपके एनुअल इनकम अगर वहाँ पे कोई कॉलम हो, ठीक है, एनुअल इनकम इज लेस देन आपका 50,000 हो, ठीक है। तो आपको इस तरह का डेटा, आप डेटा को फिल्टर करते हैं कि भाई इस डेटा पे हमें कोई माइनिंग की ज़रूरत है, हमें पूरे पाकिस्तान की डेटा पे हमें कोई माइनिंग की ज़रूरत है नहीं है, हमें सिर्फ इस डेटा पे माइनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका फिर यूज़र पे डिपेंड करता है कि यूज़र के आपको यूज़र जो है वो किस तरह का, तो यहाँ पे वो जो DB क्यूरी प्रोसेसिंग जो है वो फिर क्या है कि आपकी सिलेक्शन वहाँ पे करते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की वो फिल्टर करते हैं किसी भी डेटा के, ठीक है। तो स्टिल फाइंड ऑल द आंसर सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट, नॉट फाइंडिंग सम आंसर इज ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे वो सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता तो आप ह्यूरिस्टिक सर्च, आप मतलब रैंडम से आप इस सर्च करते हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग कि आप कंस्ट्रेंट बेस्ड जो माइनिंग है वो आप किस तरह करते हैं। तो इसके फिर ये 5 टाइप्स है, ठीक है। तो आप 5 टाइप्स आप कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, यूजर जो है आपका क्या कर सकता है, 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट आपके जो डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम पे है वो आपके साथ वो डिमांड कर सकता है या वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला जो टाइप है आपके पास, नॉलेज टाइप कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो नॉलेज टाइप कंस्ट्रेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज यूजर वांट, ठीक है। तो उसे चाहिए क्या, उसे एसोसिएशन चाहिए,
कोई एसोसिएशन रूल वो बनाना चाहता है या फिर कोई क्लासिफिकेशन उसको चाहिए या फिर वो कोई क्लस्टर बनाना चाहता है, तो उसको चाहिए क्या? तो वो क्या है, नॉलेज टाइप, कौन सा नॉलेज उसको चाहिए? उसको कोई कोरिलेशन चाहिए, उसको एसोसिएशन चाहिए, उसको क्लासिफिकेशन चाहिए, उसको क्लस्टरिंग चाहिए, ठीक है? तो कौन सी टाइप का नॉलेज उसको चाहिए, तो ये आपका एक कंस्ट्रेंट टाइप हो गया है। दूसरा कंस्ट्रेंट टाइप जो है, जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, कौन सा डेटा, कौन से डेटा पे वो ये नॉलेज इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे पाकिस्तान का डेटा हो गया है, लेकिन उसको नहीं, उसको सिर्फ मियावाली वाला चाहिए, और मियावाली में भी वो उन लोगों का डेटा चाहिए जिनकी एनुअल इनकम क्या हो, 50,000 से कम हो, ठीक है? तो वो फिर कौन सा डेटा चाहिए, यूजिंग एसक्यूएल लाइक क्वेरी, गिव ओनली टास्क रेलेवेंट डेटा, ठीक है? तो टास्क रेलेवेंट डेटा आपको वो जो है वो यूज़र आपको प्रोवाइड करता है या आपको कहता है कि आप टास्क रेलेवेंट डेटा ही सिर्फ इसके लिए कंसिडर कर ले, ठीक है? फाइंड प्रोडक्ट पेयर सोल्ड टुगेदर इन स्टोर इन शिकागो दिस ईयर, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये एक अनदर एग्जांपल हो गया है कि आपके जो प्रोडक्ट पेयर है वो सिर्फ शिकागो में जो है वो फिर शिकागो में जो है सॉरी वो आपके कितने बाय और सेल हुए, ठीक है? फिर आपका क्या है कि डायमेंशन और लेवल कंसर्न, अभी हमने जो पढ़ा हुआ है कि आपका डेटा जो है वो फिर किस टाइप का है और वो किस तरह की जो है वो हायरार्की चाहता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपके लेवल, कौन से लेवल पे वो एसोसिएशन रूल या फिर माइनिंग चाहता है, पैटर्न माइनिंग चाहता है, और कितने डायमेंशन का डेटा वो चाहता है, ठीक है? तो ये भी हायरार्की एंड डायमेंशन टू बी चूजन, ठीक है? तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये रीजन है, प्राइस है, आपके पास ब्रांड है, कस्टमर कैटेगरी है, तो आप कौन सी चीज़ इसमें, कौन सा डेटा आपको चाहिए? आपको सिर्फ रीजन का डेटा चाहिए, आपको सिर्फ प्राइस का डेटा चाहिए, आपको सिर्फ कस्टमर कैटेगरी का डेटा चाहिए, या इसकी कम्बिनेशन का एक डेटा चाहिए, ठीक है? तो ये डायमेंशन और लेवल जो कंस्ट्रेंट है, ये भी एक टाइप है कंस्ट्रेंट की, ठीक है? फिर आपके पास है रूल्स, ठीक है? तो रूल और पैटर्न कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो आपको किस तरह के रूल्स चाहिए? फॉर एग्जांपल आप पाइथन में रूल लिखते हैं, ठीक है? तो वो टोटली आपका जो है वो सिंथेटिक जो आपका है ना, लैंग्वेज बेस्ड आपका आ जाता है। सी प्लस प्लस में आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप किस में, ओरेकल में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप मेटलैब में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर के अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, अपने अपने सेंटेक्स होते हैं, तो कौन कौन से सेंटेक्स के मुताबिक वो रूल्स चाहता है, ठीक है? तो ये सेंटेक्टिक फॉर्म ऑफ रूल्स, ठीक है? तो हर एक टूल में मुख्तलिफ किस्म के सेंटेक्स होते हैं रूल्स के, ठीक है? तो वो कौन से रूल्स उसको फिर चाहिए। फिर आपके पास जो लास्ट वन है, जो फिफ्थ वन है, इंटरेस्टिंगनेस, ठीक है? कंस्ट्रेंट के हाउ मच इंटरेस्टेड रेलेवल इज इट टू यूजर, ठीक है? तो ये आपका क्या है कि जो अभी जो है वो उसको कौन सा आइटम जो है, फॉर एग्जांपल को हम अगर आइटम्स की बात कर लेते हैं, तो कितना आइटम उसको ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है उसमें, और कौन से आइटम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिस आइटम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसका जो मिनिमम सपोर्ट है वो फिर कम कर लेते हैं, जिसमें कम इंटरेस्टेड हो उसका जो मिनिमम सपोर्ट है वो फिर क्या है, हम ज़्यादा कर लेते हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस का भी इसी तरह है, तो उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जस्ट एक ओवरव्यू है ऑफ द कंस्ट्रेंट के, आप किस तरह के कंस्ट्रेंट आप यूज़र लगा सकता है बिफोर डूइंग एनी डेटा माइनिंग टास्क, ठीक है? तो आपका नॉलेज टाइप हो गया है, कौन सी टाइप की माइनिंग उसको चाहिए, डेटा कंस्ट्रेंट कि कौन सी टाइप का डेटा, एक सबसेट ऑफ डेटा उसको चाहिए। अब उसको पूरा डेटा सेट तो अवेलेबल है, लेकिन उसको एक रेलेवेंट डेटा चाहिए ना, टास्क रेलेवेंट डेटा उसको चाहिए, ठीक है? फिर उसके कितने लेवल्स या फिर कितने डायमेंशन आपने, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपने चूज करने हैं, रूल्स जो है वो किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है? और फिर वो कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से डेटा में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन कौन से डेटा में
कम इंटरेस्टेड है, तो उसके मुताबिक भी आपने जो डेटा माइनिंग के जो है ना टास्क वो परफॉर्म करने हैं। तो ये कंस्ट्रेंट इन डेटा माइनिंग आपके पास आ गई है, ठीक है। तो वही चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर वही मैंने किया हुआ है जो आपका जो प्रीवियस क्लास में था, ठीक है। तो इसमें हमने किया गया है कि ये मैंने कल वैसे ये सारे प्रोग्राम मैंने राइट किए थे सीएमडी में, करता हूँ ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप वही ML Extend से आप करते हैं कोई भी जो एसोसिएशन रूल्स आपकी माइनिंग हो गई है, तो एक तो जो पांडास है वो आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आपका जो ट्रांजैक्शन इनकोडर जो आपका जो C1 आपका बनता है, ठीक है। तो किस तरह वो बनता है, वो जो ट्रांजैक्शन इनकोडर से बनता है। फिर आप तीन तरह के यहाँ पे आप एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, एप्रायोरी, एपी मैक्स और एपी ग्रोथ। एपी एप्रायोरी एपी ग्रोथ हमने किया हुआ था, एपी मैक्स मैंने आप पे छोड़ा हुआ था। वही डेटा सेट है हमारे पास, मिल्क ओनियन और फिर ट्रांजेक्शन डेटा सेट है। तो आप इसको ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसका डेटा फ्रेम बनाते हैं, उसी डेटा फ्रेम पे आप जो है ए प्रायोरी एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं विद मिनिमम सपोर्ट और यूज कॉलम नेम आप करते हैं येस, ठीक है। और फिर आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट में वो सारे जो है आपके जो आइटम सेट वो इसमें आ जाते हैं, जब आप इसको डिस्प्ले करते हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं साथ साथ डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे आपका आ गया है। ये मैंने कल रात मेरे ख्याल से बनाया था, जो आपका है DM DM05 प्रोग्राम, ठीक। तो आप ये अगर कोड लिखते हैं, ठीक है, ये अगर आप कोड लिखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ, ये अभी रनिंग में होगा, ठीक है। तो ये अभी रन हो रहा है, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये ए प्रायोरी एल्गोरिथम को यूज़ करके वो आइटम सेट जो है फ्रीक्वेंट आइटम सेट वो फिर क्या है वो जनरेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि ए प्रायोरी बहुत स्लो है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, ठीक है। अगर आप ये वाला यूज़ करें एपी ग्रोथ वाला, तो वो मेरे ख्याल से इतना वो टाइम नहीं लगाएगा, वो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि उसमें मल्टीपल आइट्रेशन इसकी नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये आपके पास आ गया है जो आपकी है जो सपोर्ट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो आइटम सेट आपकी आ गई है। तो यहाँ पे सपोर्ट आ गया है, यहाँ पे आपका आइटम सेट आ गया है। तो फिर आप क्या, आप इसी आइटम सेट के एसोसिएशन रूल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन रूल्स बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसके एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं, जो इसके लिए फिर हमारे पास कमांड जो यूज़ होती है वो क्या है, जनरेट रूल्स, ठीक है। तो जनरेट रूल्स जो हमारे पास कमांड है यहाँ पे पाइथन में, ठीक है। फंक्शन अलाउ यू टू स्पेसिफाई योर मैट्रिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप जो कौन से मैट्रिक पे आप जो है आपका इंटरेस्ट कौन से मैट्रिक पे है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस पे है या फिर सपोर्ट पे है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इंटरेस्ट है, ठीक है। और फिर एक अकॉर्डिंग थ्रेशहोल्ड, ठीक है। तो आप एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड इसको देते हैं। करंटली इम्प्लीमेंटेड मेजर आर कॉन्फिडेंस एंड लेफ्ट। तो आप कॉन्फिडेंस भी यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट आपका क्या है, आपका ऊपर कॉन्फिडेंस और सपोर्ट आता है, नीचे आपका कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन रूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीक्वेंट आइटम्स ओनली इफ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज अबाउ द 70% थ्रेशहोल्ड। मिनिमम का थ्रेशहोल्ड आपका क्या है, ठीक है। तो आप क्या इसको इम्पोर्ट करते हैं एसोसिएशन रूल्स को, और एसोसिएशन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं
फ्रीक्वेंट आइटम सेट पे, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक आपका क्या है, कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे आप लिफ्ट भी कर सकते हैं और मिनिमम थ्रेशोल्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर हम इसको अप्लाई कर ले वहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको रन कर ले, ठीक है, तो ये आपका इधर ये इस तरह का टेबल आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास एग्स जो है आपका ये एंटीसीडेंट्स एंड कंसिक्वेंट, ठीक है, तो एंटीसीडेंट्स आपका क्या है, जो जो एरो के लेफ्ट साइड पे आता है, और कंसिक्वेंट आपका क्या है, जो एरो के राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग सपोर्ट भी आता है, एंटीसीडेंट का अलग सपोर्ट, कंसिक्वेंट का अलग सपोर्ट, ये ओवरऑल सपोर्ट है। ठीक है, ये इसका कॉन्फिडेंस है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका लीवरेज है, और ये इसका कन्वेक्शन। लीवरेज और कन्वेक्शन को छोड़ दिए, हमने नहीं पढ़ा हुआ, अब जस्ट कॉन्फिडेंस और लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फिडेंस है, ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, फिर आप इसी तरह, फिर आप ये आपने कॉन्फिडेंस पे अप्लाई किया है, फिर आप इस तरह लेफ्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर 1.2 हो तो वो आपके पास किस तरह आएगा। तो अगर आप इस पे ये मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका जो वो वाला डेटा आएगा जहाँ पे आपका लेफ्ट जो है वो मिनिमम 1.2 हो। ठीक है, तो ये आपका वो वाला डेटा आ गया। फिर आप उसमें क्या बना सकते हैं, नए आप उसमें बना सकते हैं, नए कॉलम्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बना जानना चाहते हैं जो एंटीसीडेंट है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, उसमें एंटीसीडेंट में 1 आता है या फिर 2 है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट की लेंथ कितनी है, तो अगर आप यहाँ पे करते हैं रूल और फिर यहाँ पे एंटीसीडेंट लेंथ जो है आप यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एक अलग से कॉलम आप बनाते हैं, फिर यहाँ पे एंटीसीडेंट और फिर ये जो है यहाँ पे कि ये कितनी बार इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट लेंथ का एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, ऑनियन है 1 है, एग है 1 है, यहाँ पे किडनी बीन्स और ऑनियन है, यहाँ पे एंटीसीडेंट की लेंथ कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे एंटीसीडेंट की लेंथ कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आप इसमें मजीद कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और फिर अगर आप इसको डिस्प्ले कर ले और इस पर आप मजीद फिर कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रूल्स अपने बना सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट की बात कर रहा था वो यहाँ पे भी वो कंस्ट्रेंट है कि आपको वो वाले रूल्स डिस्प्ले कर, आप फर्दर फिल्टरिंग कर रहे हैं रूल्स की कि आपको वो वाले रूल्स डिस्प्ले करें जिसमें एंटीसीडेंट की जो लेंथ है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस उसका क्या हो, 0.75 हो, और रूल जो लेफ्ट हो उसका वो ग्रेटर देन 1.2 हो। अगर आप इस पे करते हैं इस तरह, तो अच्छा मेरा ख्याल से ये मैंने रन नहीं किया, ये मैं रन करता हूँ, ये हमारा रन हो गया है, फिर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये क्योंकि वहाँ पे एंटीसीडेंट बने ही नहीं थे। ठीक है, तो ये अगर मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रेंट आ गए हैं। फिर आप क्या नेम वाइज भी किसी रूल को एक्सेस कर रहे कि उसमें एग आ जाए और फिर या फिर किडनी बीन्स आ जाए। ठीक है, तो वो फिर आपके पास इस तरह अगर आप इसको रन करते हैं तो सिर्फ एग्स और किडनी बीन्स वाले आपके पास इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, मुझे मल्टीपल का डाटा नहीं मिला, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप उस पर फिर अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ कमांड्स आपकी आ गई है और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपका एक दूसरा असाइनमेंट है, जिस तरह हमने यहाँ पे जो मल्टीपल का किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पे किया हुआ है, एसोसिएशन रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे आपके एक पास किया था, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, इससे आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, फिर C1 बनाते हैं, L1 बनाते हैं, C2 बनाते हैं, L2 बनाते हैं, C3 बनाते हैं, अगर आगे जाता है तो ठीक है, अगर आगे नहीं जाता तो आप उधर ही रोक लेते हैं और फिर एसोसिएशन रूल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे L1 बना लिया है, फिर C2 बना लिया है, फिर L2 बना लिया है,
फिर वहां से सी थ्री बना लिया है, फिर आपने एल थ्री बना लिया, एल थ्री आगे नहीं जा रहा, लेकिन आई डोंट नो के आपके असाइनमेंट के एग्जाम्पल में आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप यहाँ से एल थ्री से आप जो आखिरी आपका टेबल बन रहा है तो उससे आप एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं। तो आपने करना क्या है, जो आपका असाइनमेंट है, ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट है, आपने ये टेबल है आपका, यहाँ पे जेंडर है, इसमें भी मैंने मतलब वो कैटेगोरिकल दिया हुआ है, लेकिन वो भी बाइनरी है, यहाँ पे मेल फीमेल है सिर्फ, ठीक है, जेंडर में। फिर लोकेलिटी, लोकेलिटी आपका या फिर अर्बन में वो रहता है या फिर रूरल है, यहाँ भी या अर्बन है या रूरल, ये भी बाइनरी है। तो वियर फैंसी ड्रेस, ठीक है, ये आपका एक और प्रेडिकेट्स हो गया है। ठीक है, तो प्रेडिकेट आपका फैंसी ड्रेस येस करता है, बेयर करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल बन गया है। तो आपने क्या किया, करना है, क्रिएट एसोसिएशन रूल्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स माइनिंग ऑल। ठीक है, तो आपने वही जो आपने क्लास में अभी अप्लाई किया है तो वही आपने इस पर अप्लाई करना है और इसके फिर एसोसिएशन रूल्स बना के, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस आपने पेपर पे लिखना है। ठीक है, तो पेपर के फिर मुझे फिर आपने वहाँ पे उसकी स्कैन लेके या फिर पिक्चर लेके एक फाइल में बना करके उसको मर्ज करके वो फिर हम मुझे फिर भेजनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आपका जो असाइनमेंट 3 हो गया, वो आपका एक असाइनमेंट है। ठीक है, अगर आप इसकी फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं तो चैप्टर 7 आप पढ़ लें डेटा माइनिंग कंसेप्ट एंड टेक्निक्स के, और यहाँ पे जाए तो आपका सारा मतलब यहाँ पे सारा एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ये आप फर्दर रीडिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। असाइनमेंट एक दफा रिपीट करते हैं जी, असाइनमेंट में क्या करना है। अच्छा, असाइनमेंट में आपने यहाँ पे जो हमने जो किया हुआ है ना, मल्टी डायमेंशनल जो एसोसिएशन रूल्स है, ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स में हमें एक तरह का एक टेबल दिया गया था। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रेडिकेट्स थे, स्टूडेंट था हमारे पास, क्रेडिट रेटिंग है और बाय लैपटॉप से, और उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 6 आइट्रेशन थे हमारे पास, 6 वैल्यूज थी हमारे पास। ठीक है, ये भी बाइनरी किस्म का है। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ येस नो आता है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेलेंट फेयर आता है, यहाँ पे भी सिर्फ येस नो आता है। तो आप इसके एट्रीब्यूट्स आइटम बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स आइटम से आप फिर क्या बनाते हैं, उसका C1 बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का टेबल आप बनाते हैं और फिर C1 से आप फिर आगे जाते हैं प्रायोरी एल्गोरिथम यूज़ करके L1 फिर C2 फिर L2 C3 और फिर आपका L3। L3 अगर आपका रुकता है तो वहाँ पे रुक जाए, अदरवाइज आप एसोसिएशन रूल्स इस तरह एसोसिएशन रूल्स आप बनाते हैं। ये जो एसोसिएशन रूल्स इस तरह आपके बन रही है ना, तो इस तरह आप एसोसिएशन रूल्स उसी टेबल से आपने एसोसिएशन रूल्स बना। तो यहाँ पे मैंने जस्ट, और एसोसिएशन रूल्स को आप इंग्लिश में अगर फिर वो लिखते हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश में दोबारा फिर यहाँ पे इस तरह फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमने असाइनमेंट में दिए वो थोड़ा सा मैंने टेबल जस्ट चेंज किया है, बाकी आपने यही चीज़ें अप्लाई करनी है उसी पे। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल है। ठीक है, तो टेबल में क्या है, मैंने 3 प्रेडिकेट्स इसके दिए हुए हैं, एक जेंडर है, एक लोकेलिटी है और एक वेयर फैंसी ड्रेस। ठीक है, ये एक 3 प्रेडिकेट्स का एक टेबल है आपके पास।